देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। अलीगढ़ के खैरा बाईपास निवासी एक युवक से सरकारी नौकरी का झांसा देकर दो भाइयों ने लाखों रुपए की ठगी कर ली। एक वर्ष बाद जब युवक ने अपने रुपए मांगे तो दोनों भाइयों ने उसे जान से मरवाने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने मंगलवार को पूरा मामला पुलिस को बताकर तहरीर दी है। अलीगढ़ के खैरा बाईपास निवासी पुनीत शर्मा पुत्र धर्मपाल शर्मा का आरोप है कि थाना खैरा के गाँव तकीपुर निवासी गौरव मालान व भूपेंद्र मालान पुत्र गण वेदवीर सिंह से करीब एक वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। दोनों भाइयों ने अपना एक रिश्तेदार मंत्रालय में बताकर सरकारी नौकरी लगवाने का लालच दिया, जिसके चलते दोनों भाइयों ने नौकरी के नाम पर उससे 5 लाख रुपए ले लिए। एक वर्ष तक नौकरी नहीं मिलने पर मंगलवार को जब पीड़ित ने दोनों भाइयों से अपने पैसे वापस मांगे तो जान से मरवाने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने सीओ खैर से शिकायत की है। सीओ खैर संजीव दीक्षित का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कराई जा रही है। मेरा नाम पुनीत शर्मा है, अलीगढ़ निवासी हूँ। क्या मामला आपका? जी, मैं गौरव मालान और भूपन मालान निवासी तकीपुर से एक वर्ष पूर्व मिला था जी। इन्होंने अपने रिश्तेदार मंत्रालय में बताया था, इन्होंने मेरी नौकरी लगवाने के लिए आर्मी और पुलिस में जी 15 लाख रुपए की मांग की थी जी। तो मैंने इन्हें 5 लाख रुपए अपने भाई के लिए और अपने लिए नौकरी लगवाने के लिए दे दिए जी। जब मैंने इनसे पैसा मांगा, आज मैं पैसे मांगने गया तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी जी। तो मैं सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब ने मुझे उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अच्छा, ठीक है। अलीगढ़ से संवाददाता एसएस बालाजी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।